दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ विधायकों को खरीदने की कोशिश में जुटी है। आपके विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी विधायकों को बताया जा रहा है कि सीएम केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जल्द गिरफ्तार होंगे। वहीं दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने भी बीजेपी पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के सीएम के मुताबिक पिछले दिनों बीजेपी ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के साथ विधायकों से संपर्क कर बताया कि कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद आपके विधायकों को तोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के किस विधायकों से बात हो गई है और उससे भी बात हो रही है, इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की ओर से टिकट दिलाकर चुनाव लड़वा देंगे। हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 एमएलए से ही संपर्क किया है, पार्टी छोड़ने से मना कर दिया। सीएम केजरीवाल के मुताबिक इसका मतलब है कि किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। पिछले 9 सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए उन्होंने कई षड्यंत्र किए, अभी तक इन्हें किसी में भी सफलता नहीं मिली है। भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारे सभी एमएलए मजबूती के साथ हैं, इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल होंगे। बीजेपी वाले जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। इनकी पैदा की गई तमाम अड़चनों के बावजूद हमने इतने काम किए। दिल्ली की जनता आपसे बेइंतहा प्यार करती है, इसलिए चुनावों में आपको हराना इनके बस की बात नहीं। यही वजह है कि एक फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तार कर सरकार गिराने की ये साजिश रच रहे हैं।